दिखेगा। और जब आप इसका ऑयल देखेंगे, निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक हेक्टेयर एरिया से दूसरे साल में 600 से 700 एमएल से ज्यादा ऑयल नहीं मिलेगा। लेकिन कीमत उसकी सुनेंगे तो कहेंगे कि हम इसको गुलाबी खेती करने लगे हैं, लेकिन वो आसान नहीं है। 5 लाख से लेकर 12 लाख तक लीटर ऑयल की कीमत है, लेकिन लोगों के पास है नहीं, क्योंकि करना आसान नहीं है, बहुत टफ है। और यहाँ पे नहीं, पहाड़ी एरिया में लोग छोटे छोटे करते हैं, थोड़े तेल मिलता है, उसको सेल कर देते हैं, बाहर चला जाता है, और बहुत हाई क्वालिटी की परफ्यूम जो बनती है वो इस ऑयल से बनती है। तो रोज ऑयल हम लोग सुने हैं, हम लोग तो करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर फैलाव नहीं है। हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, कन्नौज जगह है, उस कन्नौज जगह पर सबसे ज़्यादा रोज का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फार्मर्स ग्रो करते हैं, और वहाँ पर इंडस्ट्री भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से इसको बढ़ावा मिलता रहता है। ये है रोज। तो इतनी क्रॉप के ऑप्शन हमने बता दिया आपको, और ये क्रॉप जो है आप चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके पास एक उपाय है। अब डिटेल में बता देता हूँ आपको, सर मीट के विषय में बता देते हैं। हाँ, बस देखिए मिंट है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मेंथा, और मेंथा में आप लोग खूब नाम सुने हैं, पुदीना खूब सुने हैं, गर्मी में चटनी में यूज होता है, पेय पदार्थ में यूज होता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, वो पुदीना नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं गार्डन मिंट, जो चटनी में यूज होता है उसको बोलते हैं गार्डन मिंट। ये मिंट है, इन सारे मिंट से ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा, वही ऑयल बाहर सेल होता है। इसमें से कुछ ऐसे प्रजातियां हैं और कुछ ऐसे मतलब एक स्पीसीज हैं कि जिनसे पिपरमिंट निकलता है जो पान मसाला में यूज होता है, बाकी सब टूथपेस्ट, वो च्युइंग गम जो फ्लेवर आता है आप देखते हैं, विक्स की टेबलेट, कैंडी, कप सिरप, ये सब चीज़ें इनसे बनाई जाती है, और सबसे ज़्यादा खपत इन्हीं की है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो इसको देखेंगे तो मैं तो आपके पास पहली बार इसको बताने आया हूँ, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में मेंथाल मिंट का किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा खपत इसकी मेंथाल मिंट की इंडिया के अलावा बाहर भी है, वहाँ पर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और 4 महीने की फसल है, एनुअल है, आपका खेत भी नहीं फंसेगा, आसानी से इसको कर सकते हैं। ऑयल निकालने के लिए डिस्टिलेशन यूनिट वही एक ही है, आप उससे ऑयल इसका निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कहीं नहीं उगा सकते हैं, कि जैसे सूखा एरिया हो वहाँ लगा देंगे, खूब घना बाग हो जहाँ छाया आ रही हो वहाँ उगा देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर जो आलू की जहाँ पे आलू होता है उस तरह की कंडीशन की जमीन होनी चाहिए। पानी जब चाहिए तो आप पानी दे दें, जब आपको इसको गुड़ाई निराई गुड़ाई जो भी करना है आप आसानी से कर लें, सनलाइट प्रॉपर मिले, जितनी धूप मिलेगी उतना अच्छा ऑयल प्रोडक्शन होगा। ये मेंथा में इस तरह का है, हमारे यहाँ लोग करते हैं, वो क्रॉपिंग सिस्टम में ही इंटर कर चुका है। ये गन्ने के साथ हो सकता है, वेटीवर के साथ हो सकता है, इसके साथ हम मक्का ले सकते हैं, इसके साथ हम मूली ले सकते हैं, इसके साथ हम भिंडी ले सकते हैं, इसके साथ और सारी जो क्रॉप है हम ले सकते हैं, वो कोई मना नहीं है, लेकिन मेंथा का उपयोग जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड को जो आते हैं आपको फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं है। पहले मैं अभी इसके अलावा हट के बात कर देता हूँ, बाराबंकी क्षेत्र है लखनऊ से सटे जिला, तो बाराबंकी क्षेत्र के जो फार्मर्स थे उस जिले के, वो केवल मेंथा लगाते थे, कोई फसल नहीं लगाते, और उस समय मेंथा जब लोगों की बहुत पहले की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 98-99 की बात कर रहे हैं, उस समय मेंथा 3700 रुपया केजी बिकता था, उसका तेल 3700 रुपीज, उतना मतलब ये कि जो आज का चीफ साइंटिस्ट है उसकी सैलरी नहीं, उसकी सैलरी हुआ करती थी 1200 रुपये,
अब मेंथा का तेल 3700 रुपए मिलता है। उसमें तेल कैसे ले जाते थे, गैलन में थोड़े थोड़े करके ले जाते थे और वो बीच में उसके भी चोर डकैत पड़े रहते थे और इनकी मेंथा के तेल की डकैती पड़ती थी, चोरी हो जाती थी, वो बेचारा सेल नहीं कर पाता था। तो उस समय की सिचुएशन थी, लेकिन कल्टीवेशन कम था। आज के डेट में इतना कल्टीवेशन हो गया और इतनी डिमांड बढ़ गई कि इंडिया में अगर जो देखेंगे तो 35,000 टन पर ईयर का प्रोडक्शन है और करीब करीब 3,00,000 एरिया ज़्यादा मतलब हेक्टेयर में ये फैल चुका है। चाइना को बीट कर दिया है, चाइना को बिल्कुल बिल्कुल हटा दिया, पहले चाइना ही था इसमें। इसका नाम दूसरा है जापानी पुदीना, यहाँ का नहीं है, ये जापान का है। इसका नाम रखे जापानी पुदीना, रखे नहीं है ही है, इसको जापानी पुदीना कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता था, चाइना में। आज के डेट में आपके भारत में हो रहा है, हालांकि बंगाल में नहीं हो रहा है, कुछ हमने दिया है। एक हमारा ये आया था BCKV का स्टूडेंट, वहाँ विश्व भारती का विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय का, वो कालिंगपोंग का रहने वाला है, उसको हमने 20 किलो मेंथा की जड़ दी है। अब वो हम परसों जाएंगे, वो केवल यही लेने के लिए, मेंथा की जड़ लेने के लिए आपके हुगली से हमारे यहाँ सीमेंट गए थे और वो 10 किलो जड़ लेके आए, उसको हमने लिया। तीसरा, आपके साउथ परगना में हमने बहुत सारे मटेरियल छोटे छोटे दे दिए हैं कि जो वहाँ ग्रो होगा, अगर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया तो आपकी स्टेट में फैल जाएगा। तीसरा, हमने विश्व भारती जो शांति निकेतन है वहाँ पे 100 kg मेंथा की जड़ अभी इस साल दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में नहीं आया है, जो लोग इसको समझते हैं वो लोग यहाँ से जा कर के ले आए और मैं आपको बताने के लिए वहां से चल के आपके पास आया हूँ। बात समझ रहे हैं, इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, लेकिन जब आपका बेनिफिट होगा वही मेरा बेनिफिट है, मैं ये मान रहा हूँ। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपका बेनिफिट ही मेरा बेनिफिट है, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं और इसका एक्सटेंशन चाहते हैं और आप उसको करिए, लाभ कमाइए। क्या बेसिक चीज क्या है कि इसी यही तेल हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, खरीदते हैं और हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, और इसी तेल को जब हम अपने भारत में पैदा कर लेंगे तो भारत की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। हम बाहर जो पैसा पे कर रहे हैं वो पैसा हम इन्हीं लोगों को देंगे, तो इसकी डिमांड की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल इसमें सोचना नहीं है, आप इसका खेती करके कमा सकते हैं। इसमें क्या है, ये 4 तरह का है, इन चारों के अलग अलग काम है, अलग अलग इनके व्यवहार है। सबसे ज्यादा मेंथाल मिंट की खेती होती है, जो देखने में ही लग रहा है बिल्कुल विग्रस ग्रोथ है, अच्छा मतलब देखिए दिखने में भी लग रहा है और तेल का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं मेंथा अरबेंसिस, जापानी पुदीना, इसमें सबसे ज्यादा मेंथा कंटेंट होता है। दूसरा हमारा है मेंथा पिपरेटा, मेंथा स्पाइकाटा और मेंथा सिट्राटा। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों का लगाने का टाइम अलग है, ये टेम्परेट रीजन में लगाए जाते हैं, यानी कि जो बिल्कुल जाड़ा शुरुआत हो जाए तो दिसंबर और जनवरी महीने में लगाते हैं, मेंथा से पहले लगाते हैं। पिपरेटा के साथ क्या है,